आज हम बना रहे हैं मीठे परांठे। इसके लिए हमें चाहिए गेहूं का आटा, देसी घी और पीसी हुई चीनी। तो हमने ये आटा गेहूं का गूंद लिया है। अगर आप इसमें घी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं आटे में गूंदते समय, पर मैंने डाला नहीं है। अब हम आटे का पेड़ा बना लेते हैं। आप मोटा परांठा बनाना चाहते हैं तो मोटा ले सकते हैं, और पतला बनाना चाहते हैं तो पतला भी पेड़ा ले सकते हैं। अब हम इसको बेल लेंगे। ये हमने बेल लिया है। अब इसमें सबसे पहले हम लगाएंगे घी, देसी घी लिया मैंने। ये परांठे बच्चों को बहुत ही अच्छे लगते हैं, मीठे परांठे। आप चाहें तो ये बना के स्कूल के लिए टिफिन में भी दे सकते हैं, बहुत ही अच्छे बनते हैं। बच्चों को तो ऐसे मीठा पसंद भी होता है, रोटी ऐसे खाएं ना खाएं, आप ये मीठा परांठा बनाएंगे तो बच्चे बड़े शौक से खाएंगे। ऐसे भी ये हेल्थी और टेस्टी होता है। आप ऐसे चीनी भर के इसको ऐसे फोल्ड कर लेना। दूसरी तरफ फिर घी लगाना देसी, और ऐसे करके चीनी भर देना। ऐसे करके अच्छी तरह फिर आप ऐसे इसको पेड़े को लेना, फिर इसको बेल देना। ये हमारा तैयार हो गया है। अभी हमने गैस ऑन करनी है, तवा रख दिया है, थोड़ा इसको गर्म होने देंगे। अब ये तवा हमारा गर्म हो चुका है, अभी हम इसमें पराठा डाल देंगे। ऐसे ही हम एक और परांठा तैयार कर लेंगे पेड़ा लेके। ऐसे ही हम दो तीन चार आप जितना बनाना चाहते हो उतना बना सकते हैं। ऐसे बेल लेना, मोटा पतला जितना आप बना सकते हो बना लेना। ये लगा लेना। ये हमारा थोड़ा ब्राउन ब्राउन हो गया ऊपर से, तो हम इसको ऐसे दूसरी साइड कर देंगे। अब इसमें हम घी लगाएंगे। पहले एक साइड लगाएंगे अच्छे से घी। आप घी कोई भी यूज कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो उसमें बना सकते हैं आप, देसी और दूसरा कोई भी घी तेल जो आपको पसंद हो उसमें आप बना सकते हैं। देखो हमारा कितना अच्छा और क्रिस्पी परांठा बन गया है। इसी तरह हम दूसरा भी बना लेंगे। ये अब हमारा परांठा बनके तैयार हो गया है।
अब ये हमारा मीठा पराठा तैयार है। प्लीज़ आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू।